सुप्रभात बच्चों, आज हम अगली कविता कैमरे में बंद अपाहिज का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय। कवि रघुवीर सहाय की जो प्रमुख रचनाएं हैं वह हैं हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध, सीढ़ियों पर धूप में। इसके अलावा इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बखूबी अपना योगदान दिया है। नव भारत टाइम्स और दिनमान से जुड़े रहे हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया इनके योगदान पर, इनकी रचनाओं के परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में। कैमरे में बंद अपाहिज, अपाहिज जैसा कि आप जानते हैं, जिनको हम दिव्यांग कह सकते हैं, जो दिव्यांग लोग होते हैं जिनका समाज के अमानवीय तत्व जिनका उपहास बनाते हैं, जिनका मजाक बना देते हैं। साथ ही साथ ऐसे अपाहिज लोगों को लेकर के उनकी आड़ में लोग अपने स्वार्थों को साधते हैं, पूरा करते हैं। ऐसी ही यह कविता है जिसमें कवि रघुवीर साय के द्वारा बताया गया है कि किस प्रकार जो मीडिया वाले हैं, पत्रकार हैं, मीडिया वाले हैं, चैनल वाले हैं, वह किस तरह से एक अपाहिज व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार लेते हैं, और उससे उसके अपाहिजपन के बारे में पूछा जाता है कि तुम्हें अपाहिज होकर कैसा लगता है। किसी व्यक्ति के आँख या पैर या हाथ, किसी शारीरिक अंग की कमी है तो इसमें उसका क्या दोष है? और यदि किसी से एक आ जाए कि बिना आंख के या बिना पैर के या बिना हाथ के आपको कैसा लगता है, तो वह क्या बताएगा? यह तो स्पष्ट है कि जिस अंग की, शारीरिक अंग की कमी भगवान ने उसे बख्शी है, उसके बिना वह बहुत ही लाचार होते हैं, मजबूर होते हैं, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम किसी अंधे को एक आया कि तुम्हें अंधा होकर के कैसा लग रहा है, तो हम खुद बेवकूफी कर रहे हैं, हम खुद मानवता को कलंकित कर रहे हैं। तो इसमें कैमरे में बंद अपाहिज कविता में यही बताया गया है कवि के द्वारा कि हमें ऐसे लोगों का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, मजाक नहीं बनाना चाहिए, जितना हो सके हर संभव इनकी सहायता करनी चाहिए। जैसा कि आप देखते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, पत्रकार जुड़ आते हैं, मीडिया वाले आ जाते हैं और वहां पर सारी चीजें दिखाते हैं, कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, कितनी चोट आई, कितने लोग घायल हुए, वो सब दिखाते हैं। घायल लोगों को भी कराते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए दिखाते हैं, लेकिन उनकी सहायता के लिए वो लोग आगे नहीं आते। कुछ लोग तो वहां पर कराते कराते दम तोड़ देते हैं, लेकिन मीडिया वाले उनका वीडियोग्राफी करते रहते हैं, तमाम चीजें दिखाते रहते हैं। यदि इतने समय में उन लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाए तो वह बच सकते हैं, उनकी जिंदगी, उनका जीवन बच सकता है, वह स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन मीडिया वाले अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए वह सब दिखाते रहते हैं, पूरा सीन दिखाते रहते हैं, एक्सीडेंट प्लेस का, घटना स्थल का पूरा सीन दिखाते रहते हैं, दृश्य दिखाते रहते हैं, लेकिन उन जो व्यक्ति घायल हैं, जो व्यक्ति उस घटना से ग्रसित हैं, उनको अस्पताल नहीं पहुंचाते, उनकी जो सहायता है वह नहीं करते। तो वही चीज कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दिखाई गई है कवि रघुवीर साय के द्वारा, कि जो मीडिया वाले हैं, चैनल वाले हैं, पत्रकार लोग किस तरह से एक अपाहिज व्यक्ति को लाते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार लेते हैं और उससे बेतुके क्वेश्चन करते हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं उससे साक्षात्कार के दौरान जिनका कोई तुक नहीं है, जिनका कोई तर्क नहीं है। जैसे कि आपको अपाहिज होकर के कैसा लगता है, दुख तो होता होगा, तो इस तरह के प्रश्न करके, वह प्रश्न पूछ पूछ करके, बेतुके प्रश्न पूछ पूछ करके उसको रोने पर मजबूर कर देते हैं और वह रोने लगता है और उसकी आंखों से टपकते हुए आंसू को वो अपने कैमरा में कैद कर लेते हैं, पूरी वीडियोग्राफी बना लेते हैं और उस वीडियो को, जो अपाहिज व्यक्ति के साक्षात्कार का वीडियो बनाया गया है, उस वीडियो को वह अपने
चैनल पर, अपने चैनल पर दिखाते हैं, जिससे कि उनके चैनल की टीआरपी अच्छी आए। इसमें लेखक ने बहुत बड़ा व्यंग किया है कि इंसान अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए कितना गिर जाता है, कि एक अपाहिज व्यक्ति को अपनी रोटी का साधन बना लेता है, अपने रोजगार का माध्यम बना लेता है। अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए ये लोग किस तरह से दकियानुसी या किस तरह से अमानवीय हरकतें करते हैं, अमानवीय कार्य करते हैं, उसी पर कवि के द्वारा व्यंग किया गया है। लोग मजबूर लोगों को, अपाहिज लोगों को, शारीरिक रूप से विकलांग या कहें दिव्यांग लोगों को किस तरह से अपना धंधा बना लेते हैं, अपना बिजनेस बना लेते हैं, व्यवसाय बना लेते हैं, उसी पर व्यंग किया गया है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें किसी भी मजबूर व्यक्ति की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, उनकी समुचित सहायता करनी चाहिए, उनकी समुचित सम्मान देना चाहिए, उनको बराबरी का दर्जा देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उनका मजाक बनाएं या उनके माध्यम से हम अपने स्वार्थों को साधें, जबकि आए दिन जो टीवी चैनल वाले हैं अपनी चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की दृश्यों को दिखाते रहते हैं। जब अपाहिज से क्वेश्चन किए जाते हैं बेतुके, तो वह रोने लगता है और उसके आंख से टपकते हुए हंसी को, आंसुओं को वह टीवी पर दिखाते हैं, और टीवी पर देखने वाले दर्शक भी प्रभावित होकर के उसके आंसुओं को देख करके, अपाहिज के आंसुओं को देख करके रोने लगते हैं, जिससे कि उनके चैनल को सराहना मिले, प्रशंसा मिले। लेकिन यह गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी जरूरतमंद है, उसकी जरूरत अनुसार उसकी सहायता करनी चाहिए, किसी मजबूर व्यक्ति की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, यह मानवता के विरुद्ध है। मानवता यह नहीं कहती कि आप किसी घटना स्थल का वीडियो बनाएं या आप किसी अपाहिज दिव्यांग व्यक्ति का वीडियो बनाएं और उससे अपनी टीआरपी बनाएं। मानवता यह कहती है कि जो भी आवश्यकता अनुसार, जो भी हम कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, हमें ऐसे लोगों की जितना हो सके सहायता करनी चाहिए, हर संभव सहायता करनी चाहिए। किसी घटना स्थल पर कोई घटना घटित हुई है तो हमें ऐसे लोगों की सहायता हेतु आगे आना चाहिए, उन्हें अस्पताल पहुंचाना चाहिए, उनकी समुचित सहायता करनी चाहिए। ऐसे लोगों को अपने धंधे का, अपना धंधा नहीं बनाना चाहिए, अपना रोजगार नहीं बनाना चाहिए, अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। यही कवि रघुवीर सहाय के द्वारा इस कविता के माध्यम से समाज को संदेश दिया गया है। धन्यवाद।